जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब के साथ में सब्सक्राइब भी कर। चलिए स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी है। जीत के बाद ट्रंप को पीएम मोदी की बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीरें भी शेयर की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। और यहां पे दुनिया भर के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मोदी जी तक ने कांग्रेचुलेट कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने, और वर्ल्ड लीडर्स धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये रिसेंटली एक ट्वीट किया है, एक्स के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है कि ट्रंप ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए, और वो बड़े उनके गुनगाते रहते हैं ट्रंप, मोदी साहब के बड़े गुनगाते हैं। ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है वगैरह वगैरह। तो जो भारत के रिलेशंस है ना ट्रंप के आने के बाद, तो अच्छे होंगे ही होंगे। मोदी साहब ने ट्रंप की बड़ी सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया की तो खैर है, इंडिया तो ये कर सकता था सारा कुछ, बिकॉज इंडिया की तो जरूरत थी अमेरिका को। तो आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2011 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था। इस वक्त मुझे वैसे तो पूरी दुनिया में कई जगहों पर सेलिब्रेशन हो रही होगी जहां जहां ट्रंप के सपोर्टर हैं, लेकिन बड़ी सेलिब्रेशन इस वक्त दूसरा इंडिया, जहां पर ट्रंप के सपोर्टर सेलिब्रेट कर। इंडियन अमेरिकन जो है वो काफी लाइमलाइट में है, बिकॉज देयर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमें जो क्या करना चाहिए, हम इंडिया के साथ इंगेज रहना चाहिए। बायपार्टिसन सपोर्ट मीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स, दे बोथ सपोर्ट कि इंडिया के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, यूएसए इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, और काफी हद तक जो भारत चाहता था कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार बने, और डोनाल्ड ट्रंप जी की ही सरकार बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ट्विटर पे उनको बधाई दी, और जाहिर सी बात है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई बार कैंपेनिंग के दौरान तारीफ की। नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए थे, वहां पे भी जमकर डोनाल्ड ट्रंप जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की थी, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना तो बनता ही था। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जी ने हिंदुओं को लेकर जो उनका एक नजरिया है, वो सभी भारत के लोग उसको पसंद करते हैं। चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर हिंदुओं पे वायलेंस की खबरें आती हैं, तो उनमें से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इसको कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। यूएसए में बहुत कम लीडर है जो हिंदुओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं। इवन दो भारतीय ओरिजिन की कमला हैरिस साहिबा भी हिंदुओं के बारे में बात नहीं करती, बेशक वो हिंदू, और शायद कहीं ना कहीं उसी वजह से हारती हुई भी नजर आए। भारतीयों की संख्या 60 लाख के आसपास है यूएसए में, लगभग अगर 2020 के आंकड़े माने तो लगभग 52 लाख था, लेकिन मैं 60 लाख एस्टिमेट कर रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को 7 करोड़ वोट मिले, और इनको मिले 6.5 करोड़, तो 50 लाख से तो हारी है। अगर यही सपोर्ट भारतीयों को हिंदुओं के प्रति करती कमला हैरिस जी, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। जब चुनाव जीते तो डोनाल्ड ट्रंप को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। अब से कुछ देर पहले मैंडेट क्लियर हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जीत पर अपनी स्पीच दी, और उसके बाद अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। किसी ने, जैसे ट्रंप ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दो चार बातें हिंदुओं के पक्ष में कही है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जिस हिसाब से वहां पर कंपेनिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से वहां पर हिंदुओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहां तक के एलन मस्क ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कानून बनाने की बात वो पार्लियामेंट में करेंगे। यहां तक कह दिया है, यहां तक एलन मस्क ने कह दिया है कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। यहां तक एलन मस्क ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वर्बल कह देना, जो कमला हैरिस ने वर्बल भी नहीं कहा, लेकिन मैं आपको, अगर मेरे सोशल मीडिया पर आप 2010 या 11 के पर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2011 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी 2024 के अपने ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेनिंग भी उन्होंने, क्योंकि ये मुद्दा अभी ही आया है बांग्लादेश का, तो यहां पर भी बात किया है। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया
इंडोनेशिया धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है। इंडोनेशिया जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। सब अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भगवान राम के वंशज हैं। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? अब अभी देखिए बांग्लादेश में अब मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ कि जिसे कहेंगे ना आपके मोदी साहब ने ही डिटरमिन करना था, सच्ची बात तो ये है, ठीक है जी, उन्होंने ही डिटरमिन करना था कि इंडियंस ने किधर जाना है, उन्होंने ही डिटरमिन करना था इंडियंस ने किधर जाना है। सो ट्रंप की सपोर्ट बेसिकली बढ़ी है। कहा जा रहा है कि जो राइट विंग ड्रिफ्ट है ये एक नई चीज़ नहीं है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर, लेकिन ये एक है तो सही है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो 5.2 मिलियन वोटर्स हैं जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, इनको कैटेगराइज करना भी आसान काम नहीं है ना, बिकॉज दे आर हिंदूज, दे आर मुस्लिम्स, दे आर सिख्स, दे आर क्रिश्चियंस एंड उनमें से और भी बहुत सारे हैं, कुछ इनमें से फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है जी। और ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो नॉर्मली लिबरल ही होते हैं, दे आर नॉट कंजर्वेटिव। तो ये एक चीज़ें हैं। सो किस ग्रुप के लोगों का कितनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्या ग्रुप है, इस बड़े सारे सवाल हैं। एंड देन आपकी बहुत सारी वो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन अमेरिकन को जानता हूं, जसदीप सिंह को, मैं उनको मिला हूं भी कई दफ़ा अमेरिका में, ही इज़ रिपब्लिकन, ही इज़ ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स ऑफ अमेरिका, तो वो दे सपोर्ट ट्रंप, वो ट्रंप को बड़ा खुल खुला के सपोर्ट करते हैं, बल्कि अभी भी वो ट्रंप को मिले हैं। सो द पॉइंट हियर इज जो इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, सो पॉइंट हियर इज के इंडियंस का एक अपना है कि हमें शायद ट्रंप को सपोर्ट करना चाहिए, दोज हु बिलीव कि अमरीका को मजीद मजबूत होना चाहिए, अमरीका कमजोर हो रहा है, बिकॉज कुछ लोगों का कहना यह है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है अंडर द डेमोक्रेट, सो वी नीड टू मेक अमेरिका ग्रेट। ये एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म की एक स्पिरिट है जो लोगों के अंदर जो है ना वो होती है, सो होनी भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फेक। डोनाल्ड ट्रंप को आज इलेक्शन है, लेकिन 2015 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2016 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2011 में कोई इलेक्शन नहीं था, पर उसने उस वक्त भी हिंदुओं के साथ अपनी मोहब्बत का जाहिर किया था। अब मैं नाजिया इलाही खान, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, लेकिन मुझे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे हिंदू कुछ दे देगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैं किसी का 10 नया पैसा भी नहीं जानती हूँ, ये मैं अल कुरान की कसम खा करके बोल सकती हूँ, अपनी माँ और अपने बेटे की कसम खा करके बोल सकती हूँ कि कोई हिंदू मुझे आकर के मेरा चूल्हा नहीं जला रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे अपने राष्ट्र से मोहब्बत है, इस धर्म से मोहब्बत है, और 1947 से जो मैंने हिंदुओं का जेनोसाइड मुसलमानों के हाथों होते हुए देखा है, उससे मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं हिंदुओं के पक्ष में बात करती हूँ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन मैं बहुत सारे मिसालें या बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं दूंगी जो पाकिस्तान के हिंदुओं की पास से मेरे पास प्रूफ आए हैं, नहीं तो पाकिस्तान क्या करेगा, काटने कूटने लूटने माले गनीमत समझ करके यही करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं देना चाहूंगी, बट पाकिस्तान के हिंदुओं ने मुझे प्रूफ भेजे हैं। सर, ट्रंप टुक पेंसिल्वेनिया, ट्रंप टुक मेनी बिग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स, बट ट्रंप ऑल्सो टुक सेनेट। ट्रंप जितने हाउसेज और व्हाइट हाउसेज सब ट्रंप ले गए हैं। आपको पता है कि ये बड़ा क्रूशल मोमेंट, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है, व्हाइट हाउस में पहुंचना उनका इतना बड़ा मसला नहीं है, जो लोग उनको नहीं चाहते या नहीं पसंद करते, जो बाकी है ना सेनेट और वो ज्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि जो फैसले हैं ना वो वहीं से होते हैं, जो पैसा है ना वो वहीं से आता है, ये बड़ा मसला है। अच्छा फिर है जी, ओके, ये जनाब सासा जो है कि ये है, तो बहुत सारे लोग अगर हम इसकी, तो दोस्तों यूएसए के चुनाव में भारत का इन्फ्लुएंस देख के इस बार तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। कौन सा ऐसा अखबार नहीं था जिसमें भारत के इन्फ्लुएंस की बात नहीं की गई यूएसए के चुनाव में। भाई 60 लाख के आसपास भारतीय आबादी, भारतीय ओरिजिन के लोग पहुंच चुके हैं अब यूएसए में। 60 लाख बड़ा नंबर है। अब आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ चुनाव कितने वोटों से हारा गया, मैंने आपको आगे भी बताया, आप गूगल पे सर्च कीजिए, लगभग 7 करोड़ वोट मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और कमला हैरिस जी को मिले 6.5 करोड़ वोट। और अगर मैं मान के चलता हूँ 60 लाख में से अगर 50 लाख भारतीय भी, भारतीय ओरिजिन के लोग कमला हैरिस जी को वोट देते तो शायद ये रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि कमला हैरिस जी ने भारतीयों के बारे में, हिंदुओं के बारे में कोई बात ही नहीं की, लिफ्ट ही नहीं कराया। बांग्लादेश में हिंसा हुई, कैनेडा में हिंसा हुई, कमला हैरिस साहिबा एकदम चुप। ठीक है, आप हिंदू हो यार, आप बात नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर हिंदुओं के बारे में बात, और हिंदू फिर आँख मूंद के तो आपको वोट नहीं दे देंगे। ठीक है, तो अगर कमला हैरिस साहिबा बकायदा हिंदुओं के वो लिफ्ट कराती
उनके बारे में बात करती, इलेक्शन कैंपेन में वादे करती कि भाई चलो हम हिंदुओं की सुरक्षा की बात करेंगे, चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छूट नहीं दो हिंदुओं को, बट एटलीस्ट उनके सुरक्षा की तो बात करो। जो पन्नू जैसे आतंकवादी बैठे हैं उनको कंडेम तो करो। आप भारतीय ओरिजिन से हो ना, तो आपका इतना तो बनता था कमला हैरिस जी का कि पन्नू खालिस्तानी इन पे तो कमेंट करें, लेकिन नहीं भाई। जब आप भारत के बारे में एक भी पॉजिटिव शब्द नहीं बोलोगे, भारत को ऐसे जैसे भूल ही गए, भारत क्या है, भारत के बारे में कुछ नहीं ना, यही कह रही है हमें भारतीयों का सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं ना, नरेंद्र मोदी जी से कोई बातचीत। दूसरी तरफ उल्टा अगर हम ट्रंप साहब को देखें तो वो हिंदुओं के बारे में भी बात कर रहे हैं, भारत की भी तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी अपना दोस्त बता रहे, तो भाई भारतीय ओरिजिन के लोग तो उनको ही चूज करेंगे ना फिर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।